यहां पर एक मसला जरूरी समझता हूं कि जिक्र करूं। देखें एक बात समझ लें, हम इंसान जो है ना बड़े खताकार हैं, बड़े मासियत में डूबे हुए हैं। हमारी एक फितरत है कि हम 30 रोजों को पसंद नहीं करते। ये हम सब एक जैसे हैं, मैं आप हम सब एक जैसे हैं। 29वें रोजे को हमारी तैयारी होती है कि बस मगरिब और निकल जाए थे आपसे, बस चले। ये गलत बात है। देखे 30 रोजे भी अल्लाह की रहमत से होते हैं, 29 रोजे भी अल्लाह की रहमत से होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन उग्मी अलैकुम फइद्दतु सलासीना मिन शाबान, शाबान की मिसाल दी कि अगर बदली छा जाए ना, चांद नजर ना आ रहा हो, तो तुम शाबान के 30 रोजे पूरे कर लेना। फिर फरमाया, सूमु लिरोयति ही वसूमु अफ्तिरु लिरोयति ही, तुम अफ्तार करो चांद देखकर, रोजा रखो चांद देखकर। अब जब तक ऐलान ना होना कि चांद नजर आ गया, उस वक्त तक उजलत में अपने एहतिकाफ से निकल जाना या मस्जिद को छोड़ के चले जाना, ये अच्छी बात नहीं। हम सबकी एक नौयत होती है, मुझे किसी मस्जिद वाले ने नहीं कहा, भाई कहीं आप समझे कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं। होता यह है कि हम एहतिकाफ में होते हैं तो 29 रमजान को हमारी कोशिश होती है कि जोहर के बाद सामान लपेटें, असर से पहले एहतिकाफ के पर्दे उतार दें, मगरिब से पहले सब सामान हवाले करके कहें जी अस्सलामु अलैकुम, जूती पहन के तैयार हूं, आवाज लगी मस्जिद से बाहर। अल्लाह हू अकबर, ये तो गलत बात है। हम एहतिकाफ से निकलने की खुशी क्यों मनाते हैं? ये खुशी की बात थोड़ी है, अल्लाह के घर से जाने की खुशी। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह के घर से तो रोते हुए जाते हैं। मोमिन का दिल तो अल्लाह के घर में लटका हुआ होता है, अटका हुआ होता है, वो तो मचलता है कि मैं अल्लाह के घर में रुक जाऊं, और हम मचलते हैं किसी तरीके से यहां से बाहर निकल जाऊं। ये गैर मुनासिब बात है। जब तक आपके पास ऐलान ना आए, उस वक्त तक कुछ भी हो जाए, आप मस्जिद के गेट से बाहर कदम नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई आदमी आपको फोन करके इत्तला करवाए ना चांद हो गया, आपने नहीं मानना है। कभी कभी मजाक होता है, उसके मजाक में आपकी इबादत जाया हो गई। जब चांद नजर आएगा, मस्जिद की इंतजामिया में कोई भी मौजूद बाहिम्मत जिम्मेदार शख्स आपको मुत्तला करेगा कि चांद नजर आ गया, आपका एहतिकाफ खत्म हो गया, आप तशरीफ ले जाएं, आपने फिर जाना है, कोई सामान नहीं लपेटना है, कोई उजलत नहीं करनी है। आप नियत कर लें कि मैंने इंशाल्लाह कल का रोजा रखना है, अभी से नियत कर लें आप, क्योंकि अल्लाह ने अगर तौफीक दी एक दिन और, तो क्या ही बात है, हो सकता है अल्लाह कल मगफिरत का ऐलान फरमा दे। नजरिया ये होना चाहिए, रोजों को भार नहीं समझते, बोझ नहीं समझते, अपने ऊपर भारी नहीं समझते। तो मेरे भाई, रमजान को उजलत में खत्म करना जो हमें पसंद है, ये अच्छी बात नहीं है। ये असल में हिंदुस्तान से इंपोर्ट हुआ है। हिंदुस्तान में ईदैन का जश्न मनाया जाता था लंबा चौड़ा, तो रमजान के अख्तिताम में सारे लोग जमा होते थे और वो इंतजार करते थे कि रमजान किसी तरह से खत्म हो जाए ताकि हम अपने जश्न और जुलूस में चले जाएं। वहां से हमारी कौम में ये आ गया और हमारे अंदर ये एक रिवाज पाया जाने लगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। रमजान को पूरा करके जाएं, 30 रोजों का इंतजार करें, और जो जहन बनाना शुरू कर दिया गया कल से कौम का कि 29 भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं और वो भी हो सकता है, ये अच्छी बात नहीं, तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक उसलूब है कि अल्लाह ने जो चीज बनाई है इस उरूज को जवाल पजीर रखा है। अब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होना है, और सूरज ग्रहण होगा तो मुख्तलिफ सूरतें भी होंगी। तो फरमाया, इन्ना शम्स वल कमरा आयतानी मिन आयातिल्लाहि ला यनकसिफु लिमौती अहदिन वला लिहयातिही। ये सूरज और चांद को जो ग्रहण लगना है, ये किसी की जिंदगी और मौत से ताल्लुक नहीं रखता है। इसका ताल्लुक किसी की जिंदगी और मौत से नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए, इत्तेफाक से सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा कि शायद ये इसलिए गहना गया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के सोग में ऐसा हुआ है। फरमाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इसको ऐसे कर दिया, इसका जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं। जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो तुम दौड़ो अल्लाह के घरों की तरफ, नमाज पढ़ो, सलातुल कुसूफ पढ़ो, खुसूफ पढ़ो, अल्लाह के आगे इबादत करो, जो तरीका मसलू का शरिया है उसके मुताबिक अमल करो। लेकिन इसके अंदर जो हिंदुआनी बातें हैं कि अगर कैंची चलाई तो बच्चा कनकटा पैदा हो सकता है, या जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ हो सकता है, या छुरी चलाई तो ये है, या जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको सीधा लिटा के रखना है और सोने नहीं देना है, और वगैरह वगैरह अमल, ये शरीयत के खिलाफ है। आपने एहतियात करनी है, आप देव जिल चाहे एहतियात करें, मगर शरीयत में ये चीजें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। इससे कुछ नहीं होता है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है।
सब कुछ अल्लाह के इज़न से होता है। लिहाजा इसको मनहूस समझना या इसको बाबरकत समझना इसकी कोई हैसियत नहीं, ये अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह की रोशनी उसकी तरफ से छिन जाती है, फिर अल्लाह की तरफ से रोशनी बहाल होती है। इसको सर्कुलर वे ऑफ सिस्टम में ये कहना कि एक मखलूक सामने आ गई, चांद सामने आ गया, जमीन सामने आ गई, ये सब अल्लाह का सिस्टम है समझाने का कि सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह दुनिया में बेनूर कर सकता है तो कयामत में भी इसकी रोशनी सल्ब कर सकता है। लिहाजा हमें क्या चाहिए कि हम अपनी कयामत की तैयारी करें, अपने आखरत की तैयारी करें और अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह जिद्दोजहद करें। जिंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो बाकी बात कल करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपका आना बैठना सुनना समझना सब अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। अकूलु कौली हाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।